हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ दुर्ग छत्तीसगढ़ में और हम लोग अभी जा रहे हैं उज्जैन। तो हमारे साथ टोटल 32 लोगों का ग्रुप है। लोग सोलो ट्रिप करते हैं, ग्रुप ट्रिप करते हैं, हम लोग ग्रुपों का ट्रिप कर रहे हैं 32 लोगों के एक साथ। हमारे पीछे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे काका जी मेन ऑर्गेनाइजर काका जी हैं हमारे। नहीं, मैं देरी है, ट्रेन आते ही हम लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे। और क्या है कि इतने लोगों का रिजर्वेशन है तो सबका एक बोगी भी नहीं है। किसी का फर्स्ट क्लास में है, किसी का सेकंड क्लास एसी में है, किसी का थर्ड क्लास एसी में है। तो थोड़ा अलग अलग हो गया है, अलग अलग टाइम पर रिजर्वेशन करने की वजह से। फिर भी कोई बात नहीं, रात भर की जर्नी है तो हम इकट्ठा कम्प्लीट कर ही लेंगे। फिर स्टेशन पर रुकने के बाद अब हमारी ट्रेन के आने की बारी आ गई है। तो चलिए हम लोग अब प्रस्तुति ले रहे हैं ट्रेन पर चढ़ने का। हेलो, कर बाय कर बाय। बिलासपुर से खुलकर दुर्ग आने में 147 किलोमीटर है और 147 किलोमीटर आने में ही लगभग एक घंटा के ऊपर लेट हो गई है। किस्मत ले जाओ। फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई और SB5 में हमारा बर्थ। और अब हम लोग चढ़ने का भी कोशिश कर रहे हैं। भीड़ तो काफ़ी है यहाँ। B5 में था इसका, अनिता का B3 में था, हमने किसी से चेंज कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं दोनों B3 में। AC में ऐसा है ना कि सब इंटरकनेक्टेड है, तो अच्छा है कि हम लोग जा रहे हैं काका के पास। उनका A1 में है, अभी हम लोग जा रहे हैं। ये देखो, ये 2 टायर है, AC 2 पर्दा है। हमारा आज 3 है, बिना पर्दे का है। और इसमें एक और डिफरेंस है कि इसमें दो दो सीट है, 3 टायर में 3 होता है। चाची को और चाचा को ढूंढते ढूंढते आ गए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं पहले बता। अभी कहाँ जा रहे हैं ये बता पहले। तो उज्जैन जा रहे हैं। बाप बेटा दोनों उल्टा ही बता रहा है। खाना भर के लाए, चावल तक लेकर आ गए। और क्या क्या लाए, छोटा बच्चा है ना इसीलिए है, पूरी लाए हैं। ये देखिए क्या खाना है आपको, ये बताइए। और ये पूरा छत्तीसगढ़ी आइटम सबसे। ग्रुप के चाचा जी लोग बैठे हुए हैं और उधर दादाजी भी हैं और दादी भी। ऐसा टाइम कट रहा आप लोगों का, बहुत अच्छा ना। चलिए मिलते हैं हम लोग। शुभरात्रि। हमारे ग्रुप के कुछ लोग इधर भी हैं। और क्या खेल रहे हैं आप लोग? फौजी। फौजी। अच्छा, चलिए। नंबर वाला ये रहता है, कूपन रहता है। अच्छा, उसको मतलब काटते जाते हैं अलग अलग, उसमें सब पैसा ही नाम रखा जाता है। अर्ली 7, अर्ली 5, कॉर्नर, लाइन, फुल हाउसी, ऐसा सब। चलिए बाद में देखेंगे, अभी तो 15 दिन साथ में ही हैं। चलो चलो ठीक है। 32 लोग हो तो एक कोच में तो आपको मिलेगा नहीं, तो अलग अलग कोच में है। तो हम लोग मिलते हुए सबसे आ रहे हैं। का डिनर रात के समय साहब आके चेक कर रहे हैं सबका टिकट। रात के 1 बजने वाले हैं और ट्रेन में टिकट चेक हो रहा है। अभी नए दिन में नए जगह पर फिर से स्वागत है। अभी हम लोग उठ गया हूँ मैं सो के। अब चलिए अपने ग्रुप वाले मेंबर से भी मिलते हैं, देखा जाए इन लोगों का एक्सपीरियंस अभी तक इस ट्रेन में कैसा रहा। कैसा सोई आप? नींद नहीं पड़ा भाई। चाची सो रही है अभी, तभी ठीक नहीं लग रहा। चाची नाश्ता पानी हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, आप करेंगे। अच्छा चलिए, और आप भी आइएगा। हाँ हाँ, चाची सोए कि नहीं ठीक से? बहुत अच्छे सोए हैं। सो लिया अच्छे से? और दादाजी आप सोए ठीक से? अच्छा अच्छा ठीक। कैसी है? अच्छे।
काका जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। मौसम सुहाना है ना, बारिश हो गई करे। सोए अच्छे से? ओके। ना सरस्वती नर्मदा ये सब और सोई कि नहीं ठीक से? हाँ नींद तो नहीं पड़ी, बस सो गया आराम से। तो फेम अरे दबा के सोए? अच्छा दबा के सोए। आप ही एक हैं जो बोल रहे हैं दबा के सोए? नहीं हम तो बीच में 3 बजे उठे थे, नागपुर आया था, झूठ नहीं बोला पूछ लो भैया। चाची लोग का नाश्ता भी चालू हो गया, फल खाएंगे, फल खाएंगे, पेट खराब नहीं होगा करके फल खाएंगे। सेब फल थोड़ा फोटो सेशन हो रहा है हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स का, उसका भी लुक उठाइए। सुंदर रहे इसके नया बना भी है। रानी कमलावती स्टेशन से हम लोग छोड़ते हुए अब अपने जाएंगे भोपाल स्टेशन पर। आप लोगों का स्वागत है। भोपाल तो बहुत कारणों से फेमस है, फिल्मी में बहुत डायलॉग सुनते होंगे सोमा भोपाली। तो इस रूट से गुजरने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। कैसे हुआ भाई साहब? एसी और 3 टायर नॉर्मल में बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें एसी लगा हुआ है, बाकी सीटिंग अरेंजमेंट टॉयलेट सारे एक जैसे हैं, कुछ खास नहीं है। ये है सेकंड लास्ट स्टेशन जिन पहुंचने का पहले बेरचा, और यहां से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है उज्जैन, और हमारी ट्रेन लगभग 1.5 घंटा लेट से चल रही है। हम लोग उज्जैन स्टेशन उतर गए हैं। जय महाकाल की। जय शंभु। जय शंभु। जय। उज्जैन में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। थैंक यू। आप लोग B1 में थी या B3 में थी? B6 में। अच्छा इसलिए छूट गए थे आप लोग। और कैसा रहा सफर आप लोगों का? बढ़िया बढ़िया। चलिए चलिए।